बिहार एवं आसपास के अन्य प्रदेशों के छोटे एवं मझले स्तर के मशरूम उत्पादकों को कंपोस्ट बैग की पूर्ति कर आज मनोरमा सिंह ने एक विशेष पहचान बना ली है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय गई और वहां से मैं ट्रेनिंग ली और फिर हमने मशरूम लगाना शुरू किया और जिसमें वेस्टर्न मशरूम और बटन मशरूम लगाना शुरू कर दी। फिर हमारा एसी प्लांट खुला जिसमें 8 कमरा है और फेज 1 फेज 2 चैम्बर है और यहां पैकिंग रूम भी है। सभी यहां हमारे यहां करीब 30 लेबर पर डे काम करते हैं और लैब में 5 से 6 आदमी हमेशा काम करते हैं। जो मैं कम से कम हर मंथ में 40 लोगों को का भरण पोषण करती हूँ। 40 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं पर डे, 1 टन 2 टन, कभी कभी 500 केजी 400 केजी इस तरह से मशरूम निकलते हैं। और ये बिहार से लेकर बाहर नेपाल पूर्णिया बोकारो सिलीगुड़ी ये सब जगह हमारे मशरूम जाते हैं और लोकल किसान भी इसको लेते हैं और इसको बेचते हैं और इस तरह से हमारा मार्केटिंग बहुत ही अच्छा चल रहा है और हमारी आमदनी महीना में 12 से 13 लाख है। वहीं दूसरी ओर बिहार राज्य के दरभंगा जिले की बिरोल गांव की रहने वाली प्रतिभा झा भी मशरूम उत्पादन में अपनी धाक जमाए हुए हैं। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से 2015 में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रतिभा झा ने तीनों तरह के मशरूम ओएस्टर दूधिया और बटन मशरूम को लगाना शुरू किया। समय समय पर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मशरूम विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभा झा जी को तकनीकी मार्गदर्शन मिलता रहता है। इसके साथ साथ झा जी ने बिरोल गांव की महिलाओं एवं बेरोजगार पुरुषों को मशरूम उत्पादन पर प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। इससे जहां एक ओर गांव के कुछ लोगों को रोजगार देकर उनके जीविकोपार्जन में मदद कर रही हैं। आज प्रतिभा झा अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ मशरूम उत्पादन में अपना एक विशेष स्थान बना चुकी हैं और समय समय पर विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित एवं बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर अपने परिवार की मदद भी कर पा रही हैं। 2017 में जाके हमने मास्टर ट्रेनिंग की डिग्री ली। जब हमारी अपनी ट्रेनिंग पूरी हुई तो उसके बाद हमने बाहर जो है ट्रेनिंग देनी शुरू की। अभी तक मैं जीविका के तहत से और RCT सेंट्रल बैंक RCT की तरफ से हमने 300 महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। 30 वहाँ कैदियों को हमने मशरूम की ट्रेनिंग दी है और मशरूम उत्पादन के साथ साथ हमने जो महिलाएं को ट्रेनिंग दी है उसकी जो मशरूम होती है वो अपना मार्केट में सप्लाई करते हैं और जो नहीं कर पाते हैं वो मैं उनसे खरीद लेती हूँ और वो मैं उनसे बाहर जाके सप्लाई कर देती हूँ। इसी के साथ मैं कुछ प्रोडक्ट भी बनाती हूँ, जैसे मशरूम की बड़ी, मशरूम अचार, मशरूम नमकीन, मशरूम गुलाब जामुन, मशरूम पकौड़ी, मशरूम झिल्ली, इन सारी चीज़ों को बना के यहाँ दुकान पे भी बिक जाती है हमारी और जो नहीं है वहाँ यदा कदा यहाँ यूनिवर्सिटी में और दरभंगा में जो मिथिला महोत्सव होती है और पूसा में किसान मेला लगती है वहाँ जाके हम इसको सप्लाई भी करते हैं और हमारी बिक्री भी अच्छी होती है, हम स्टॉल भी लगाते हैं वहाँ। श्रीमती झा की सफलता लोगों के लिए आदर्श बन गई है। इसे देखकर और भी लोग आगे आए हैं और उन्होंने मशरूम उत्पादन कर दिखाया है।